हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो आज ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो काफ़ी लेट हो रही है। और गाइस, मैं जा रही हूँ पूजा के घर में। पूजा का है कल बर्थडे, तो पूजा ने बहुत जिद की। रात को ही है आज? हैं, आज रात को ही है? आज रात को ही है तो कल ना, मैं 12 बजे कल है उसका। गाइस, तो वो कह रही थी कि मम्मी नहीं, आप भी होंगे जब मैं रात को काटूंगी, तो आप और पापा और काकू। पहले खाकू का खाली प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन फिर पूजा और मनु ने जीत कर, अब हम तीनों जा रहे हैं और गोकू भी, हम चारों जा रहे हैं तो पूजा का बर्थडे बनाने। और कल बनेगा पूजा का बाहर, तो वो तो बाहर जाना ही जाना है। तो ये वाला जो अब रात वाला केक है वो कटवाती हूँ पूजा के साथ। तो मैंने गाइस यहाँ पर लिया है पूजा के लिए, ये केक लिया है फरारो रोशर वाला, उसको बहुत पसंद था, वो बोल भी रही थी, तो वो मैंने इसके लिए ये केक लिया है। और साथ में अभी दे रही हूँ उसको ये ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट और केक। और बाकी पूजा को मैंने कहा था गिफ्ट ले आई हो, वो उसने वो मेरे उसने पोर्टर करवा के वो भेज दिया मेरे को। कह रही थी कि ना मम्मी आप, मैंने कहा अपनी पसंद से ले ले, मैं क्या लूँ। तो उसने वो मैं आपको दिखाऊंगी कल जो मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया है। और आज जो है मैं उसको ब्लैंकेट और केक उसको दे रही हूँ। मैंने कहा आज दे देती हूँ, आज भी चलो और जा रही हूँ तो फिर मैं कुछ तो लेके जाऊँ, और बाकी कल उसका गिफ्ट उसे वहीं पर पकड़ाऊंगी जहाँ जाएंगे। और कल के लिए भी मैंने सोचा हुआ है उसके लिए 2-3 गिफ्ट और करती हूँ। एक तो उसने ले लिया, एक आध और लेती हूँ और कल उसको बाकी वो दूंगी। मम्मी रेडी हो गए? रेडी हो गए गाइस, गोकू भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और मैं सोच रही थी पूजा को, बिल्कुल देख लो, हाँ पूजा को मैं आधा कल दूँ, लेकिन मैंने कहा फिर पूजा का पकाते इकट्ठे ही दे दे, आज ही दे दे बर्थडे पे, कल कहाँ लेके जाएंगे, आज ही कर देते हैं। मैं कहा ठीक है, फिर मैंने और सामान भी उठा लिया। पूजा ने अपने लिए जो पसंद का लिया था वो भी मैंने उसका पैक करके रख दिया। रात को दिखा देगा ना बाकी जो? हाँ, जो दिखाओ मैं आपको वहाँ दिखा दूंगी। और कैसा लग रहा है आपको पूजा के बर्थडे का? खुश हो रहा है, देखो गाइस आ गए। सो फाइनली मम्मी पापा आ गए। आज इतने मतलब नखरे कर रहे थे ये लोग आने में, फिर मनु ने बोला, पापा जी ने बोला, तब जाके आए हैं। मैंने कहा आ जाओ, अच्छा नहीं लगता ना बर्थडे, तो सब पूरी फैमिली साथ होनी चाहिए बर्थडे सेलिब्रेट करना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ वो तो है ही, पर फिर भी सब साथ होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है ना पापा जी? सब साथ होते तो ज्यादा अच्छा लगता है। तभी पूजा के पापा भी आया लगता है ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर। तो मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट सब अच्छे अच्छे करने हैं। हमने इतने जबरदस्ती से, जैसे किसी पराये को बुलाया जाता है, इतने तरले करिए तब जाके आ जाए, नहीं तो 99% था कमेंट के चक्कर में कि नहीं जाना। मम्मी कह रहे लोग बिगाड़ी ऐसे उल्टे सीधे कमेंट है। मैं कहा आप लोगों की परवाह मत करो, आप बर्थडे पे आओ। बाकी कुछ हमारे अच्छे कमेंट्स करने वाले भी हैं, हाँ, तो उनके अच्छे आए थे कि जाना चाहिए, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जो बैड कमेंट करते हैं तो प्लीज ना करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। गाइस देखिए, आज पूजा यहाँ पे तल रही है मम्मी के लिए प्राइज। और ये वैसे पूजा, वैसे तो मम्मी तलती थी तेल लिए, अब नया घर आ गया तेरा, फिर तो तल रही है यहाँ पे, दिन बदल गए हैं। हाँ दिन बदल गया तेरे, मम्मी के यानी अच्छे आ गए हैं, सब दिन अच्छे दिन। हाँ इसमें भी सही है, कोई नहीं खा दिया अभी तेरे को बनाओ। मम्मी अब आराम से वेट कर रही है, अंदर बैठी हुई है, रेडी हो चुकी है, केक काट रही है, अब धूमधड़ाका करेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे, भंगड़ा पाएंगे। मेरे को लग रहा है पूजा से ज्यादा तैयार तो परी हो चुकी है। परी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे परी, ताली बजा दे। केक तो बढ़िया लग रहा है एकदम। परी बस एक मिनट, परी बस एक मिनट। गाइस केक के लुक देख लो आप, ऊपर ही देख लो ये। और केक का मैं बता देती हूँ हमने कहाँ से ऑर्डर करा है। सो गाइस, जो केक ऑर्डर करा है वो करा है जस्ट किरण से, तो हम बहुत अच्छे केक बनाते हैं। लास्ट टाइम भी जब हमारे 100K हुए थे तब हमने वहीं से केक ऑर्डर किया था। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपने कोलैब में केक लिया है, फ्री का केक है ये वो। कोई फ्री का केक नहीं है, हम उनसे परचेज करते हैं। परचेज हम इसलिए करते हैं बिकॉज उनकी जो क्वालिटी है केक की बहुत बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम वाला केक कितना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। और प्रेजेंटेशन आपके सामने, कितनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन कर रखी है। ये वाला जो केक है ये है फरारो रोशर केक है। ये तो पूजा को गिफ्ट दिए ऊपर की जो चार है। सो ये वैसे हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है। मेरे को याद है जब मैंने फरारो रोशर केक खाया था JW मैरिट में खाया था, सो उसके अलावा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। और मैं जब भी जहाँ से भी केक लेती हूँ वहाँ का मैं हमेशा बताती हूँ। जब मैं विष्णु गार्डन में थी तब ब्रदर्स बेकर्स का बताते थे कि हम ब्रदर बेकर से लिया, तो इट डजंट मीन कि वो हमें फ्री का केक दे रहे हैं। सो इनसे आप ऑर्डर कीजिए केक, इन्होंने लंदन से पूरा का पूरा अपना कोर्स कर रखा है। बहुत बहुत प्यारे केक्स बनाते हैं, जो भी आपको थीम चाहिए आपके घर पर आके डिलीवर होगा।
सो जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं इनका यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ, और इनके जो यूट्यूब के हैं आप यूट्यूब पे और बहुत सारे केक्स देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ पे जाके चेक करना। एंड थैंक यू सो मच जसकिरण, बहुत बहुत सुंदर केक है, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट केक पर ही हम इनसे ही बनवाएंगे, ऑर्डर करेंगे। मेरी बेटी छोटी है, 2.5 साल की है, 2.5 साल की। तो नेम क्या? जसकिरण। जसकिरण, थैंक यू सो मच जसकिरण, बहुत अच्छा केक, लवली केक बनाया आपने, बहुत प्यारा। किरण जी से बनवाएंगे। हाँ जी, बहुत प्यारा केक। ठीक है परी, ओके। अब केक स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं केक कटिंग। भाई थीम दिखाइए परी की, आप कांगी परी की, परी की कैप कांगी, कैसा लग रहा? परी कैप तो पहन ले, कैप उधर की, ये ब्यूटी की छोटी हमारी, ये छोटी ब्यूटी की कैप भाई, क्या ये असली काम ये है कि वो कह रही है चाची का बर्थडे है, तो मुझे भी कैप पहननी है, ये बता दे, ये छोटी ब्यूटी की है, तो केक कटिंग की बारी है, सब आ चुके हैं, काटो भाई काटो, परी है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, एकदम टेस्टी है भाई, टेस्ट एक नंबर है, छोटे भाई काफी बड़ा मुंह खोला भाई आपने, मेरे लिए रोशन। चलो गाइस केक कटिंग होगी है बढ़िया सी, अब केक खाते हैं आराम से, बहुत टेस्टी है। अब बड़ी बहन छोटी बहन को केक खिला दिया, देवरानी और जेठानी, देवरानी जेठानी का रिश्ता नहीं है, छोटी बहन और बड़ी बहन का रिश्ता है, गाइस को हम बार बार बोलते हैं देवरानी का रिश्ता नहीं है, छोटी बहन बड़ी बहन का रिश्ता हमारा सब प्यार है, और मीठी मीठी रहे हम दोनों, केक खाए तो मीठे मीठे रहोगे, वैसे मीठे रहेंगे भाई, छोटू द ब्लॉगर परी, ये तो अच्छे केक खिला रही है, ब्लॉग ब्लॉग ये गाना ये 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 अब ये अब हम कैसे करेंगे, अब ये पापा जी आए, अब परी को परी तो कैसे केक खिलाएंगे, कैसे केक कैसे आएगी, कैसे खिलाएंगे ये परी, कैसे आएगी पूजा, ऐसे आएगी, बहुत टेस्टी केक, आइए भैया प्लीज,
अब मेरा हबी आ रहे हैं, पाई के मुंह को देख के पता चल सकता है पाई के मुंह का। पूजा कैसे खाएगी, पूजा कैसे खाएगी, कैसे खाएगी, कैसे खाएगी। मम्मी अभी खिला दो, मम्मी 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 आओ। तो गाइस अब पूजा जी मम्मी ने वो केक खिलाएंगी उनको। ये हेमा हेमा आंटी खिलाएंगी पूजा को। केक कैसे खाएगी, पूजा कैसे खाएगी, कैसे खाएगी, कैसे खाएगी, कैसे खाएगी। सीमा मासी के डायलॉग तो फेमस हो चुके हैं। सीमा मासी अब अंकल को खिला रहे हैं। अंकल दोनों व्लॉग्स देख रहे हैं अब तो मम्मी ने भी बोल दिया व्लॉग देख रहे हो, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो दोनों चैनल को साथ साथ अभी के अभी। व्लॉग देख रहे कर दीजिए अभी के अभी कर लीजिए, देर मत कीजिए, फटाफट बटन दबाइए। अरे थैंक यू। अब आपको गाइस दिखाते हैं मेरी बहन ने क्या केक भेजा। थैंक यू शालू, थैंक यू सो मच शालू। मेरे पाए नंबर भेजो जो भेजे तू। एक और देना फोन देना, मैं एक और फोटो क्लिक कर। प्यारी लग रही है भैया, कैप लगा के कितनी स्वीट लग रही है मेरी बेटी मनु। ये हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गए दूसरा केक कटने के लिए तैयार हो चुका है। छोटी ब्यूटी क्यों काट रही है, छोटी ब्यूटी क्यों काट रही है। सो गाइस अब दूसरा केक कटने के लिए रेडी है बिल्कुल। मेरी बहन ने भेजा है पहले ब्लो कर दे कैंडल, फूंको मार दो, फूंको मार दो। ये परी कौन सा टेस्टी है केक, परी को देते हैं। परी परी डांची कर दे, डांची परी परी चाचू को भी खिला दे, चाचू को खिला दे। चल अब आएगी खिलाने, अब चाचू को खिला रही है ब्यूटी क्वीन, अब चाचू को खिला रही है। ये चाचू है भाई लाडला चाचू लाडली। आओ जी कैमरा पकड़ो, एक बारी कैमरा पकड़ो जी, चाचू खिलाते हुए दिखाओ। ओ देखो देखिए, ये परी तो बड़ी समझदार है। डैडी को खिला, डैडी को भी खिलाओ, दे डैडी को, मम्मी को, सबको खिलाओ केक। दादी को खिला पहले, दादी को जाओ, दादी को खिला, परी दादी को खिला, दादी को, दादी को, दादी को, दादी को, दादी को, दादी को, मम्मा को खिलाया करो बेटा। ये हैप्पी बर्थडे, नहीं मम्मा को, मम्मा को और बाकी सबको ठेंगा दिखा दे, परी ठेंगा दिखा दे बाकी सबको। राजकुमारी घर की रौनक है, घर हमारा अधूरा है, छोटू ब्लॉगर तो पूरा अधूरा है। छोटे ये डैडी को भाई, भाई डैडी को देखो जान से प्यारे भाई, भाई देखो सो क्वीट मेरी बच्ची, डैडी को खिला के ओ गिर गए, गिर गए। अब छोटू ब्लॉगर आ गया, परी नानी को खिला दे, नानी को सबको खिला, मुझे थोड़े थोड़े देती खिलाया, नानी को खिला, परी पर आ गया, ये तेरा कर देगी, मुझे ले लो। ये नानी को खिला, परी बंद है ना, ओ परी परी पर आ गया, नानी को खिला, काकू को खिला, छोटू को खिला, पहले नानी को खिला दे, छोटू खिला,
ब्लॉगर को खिला दे छोटू ब्लॉगर को खिला रही है केक छोटी सी मामू को खिला मामू को एक और बार लास्ट है अब तो बस पर ही उसके बाद रेस्ट करें। अच्छा मेरा नाम क्या है क्या नाम है क्या नाम है मामू मामू हो गई खिला दे नहीं भाई खा लो मामू तो गाइस मामू खिला दिया अब चाचू को परी ने खिला दिया चाचू को परी ने खिला दिया ना अब चाचू खिलाएगा मेरी प्यारी बच्ची है बोलो तो मम्मी पापा आ रहे थे मैंने सोचा था आज मैं अपने हाथ से राजमा चावल बनाती हूँ मैंने मतलब राजमा भिगो मतलब मम्मी और मैंने राजमा भिगो दिए थे भाभी को बस पता चला कि मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं काम कर रही भाभी ने बस कहा आज तू कोई काम नहीं करेगी सारा मैं करूंगी ब्यूटी क्वीन कैसा काम कर दी भाभी ने मुझे कुछ काम नहीं करने दिया भाभी ने मतलब तुम्हारे लिए डिस्काउंट ऑफर लगा दिया क्या भाभी ने कुछ काम नहीं करने दिया मैंने तो एक सब्जी बोली थी भाभी कह रहे मैं छोटी छोटी बहन है बड़ी सिस्टर एक सब्जी नहीं मटर पनीर की भी सब्जी बनेगी भाभी ने आज पूरा मेन्यू पूरा खुद से बनाया और इतना टेस्टी बनाया कैसा बनाया बहुत बढ़िया बनाया मटर पनीर की सब्जी ला रही हूं आपके लिए सब्जी ला एक लाइक तो बनता है भाभी के लिए एक लाइक तो बनता है कम से कम सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए मेरे चैनल को मैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए तो गाइस मैं ये कह रहा हूं इन दोनों के चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत प्यार दिखाइए गाइस इनको भी सिल्वर प्ले बटन के ये छोटू साहब मैंने कहा था जल्दी सिल्वर बटन मिलेगा मेरे को क्या बता सो गाइस मम्मी तो सबसे पहले एक तो केक लेकर आए थे बहुत ही टेस्टी केक था सबको इतना ज्यादा केक पसंद आया और पता नहीं क्या क्या लाया हुआ मम्मी मैं देख एक तरह से डोर बेड का कंबल है कंबल आया हुआ है कंबल की जरूरत लग भी नहीं थी अभी आगे आगे तो आएगी हाँ मन्नू को ठंड लग रही थी मन्नू ये लो कंबल आ गया कौन सा ये वाला डोर बेड का मम्मी ने दिया ये वाला ना ये ठंड ऊपर हो भी रही थी बढ़िया है भाई ये तो बहुत सही है वाला कंबल ना सही दिया है बहुत बढ़िया और हैवी भी हाँ ये तो काम की चीज दे दिया आपने हमें बहुत बढ़िया कंबल है गाइस ऐसी कंबल है सॉफ्ट भी है ना सॉफ्ट भी है और ये जो हम वैसे डबल वाले हैं नहीं ये तो बहुत भारी है नहीं अब नहीं हल्का अभी ठंड हो गई अभी दिसंबर के करीब ही चलते हैं अरे ऊपर ठंड है ऊपर ठंड है और ये है पूजा तेरे लिए एक बैग बैग भी आया है गाइस ड्रेस से मैच कर रहा तेरी हाँ ये वाली ड्रेस से मैच कर रहा है मेरी कलर का ही है अच्छा स्लिंग बैग भी है इसमें ठीक है बढ़िया सो ये वाली मम्मी ने बूटी दी है मम्मी ने ना मुझे बोला हुआ था कि ना सिलेक्ट कर ले देखो जो पसंद आ रही है मतलब मैं पे कर दूंगी मम्मी कह रही है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही जाने की तो मैं टाइम भी नहीं बचा था ये वाली पसंद की थी बड़ी सुंदर सी हुडी थी ये मैंने कल मैडम से ही पसंद की थी तो मैंने घर पे इनके पोर्टर करवा दी थी मैंने कहा घर पे ही कर बिकॉज वहाँ पे क्या था एल साइज था स्मॉल साइज मीडियम साइज था ही नहीं क्या ही नहीं मुझे नहीं आ गई आगे बढ़िया लग रही है एकदम एकदम ये देखो कलर अच्छा लगा मुझे हाँ अरे बाल आ गए अंदर बाल आ गए तो गाइस ये वाली हुडी है बहुत अच्छी लग रही है पापा कैसी लग रही है वाली देखना सही है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी है तो थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारी की हुडी है थैंक यू वेलकम तो गाइस मैंने कहा आप लोग आए मम्मी पापा और काकू तीनों ऊपर सो जाए पापा सो चुके हैं इसलिए खराटों की आवाज आ रही होगी अभी रुक गई आवाज काकू रुक गई पापा को पता चल गया वीडियो देख ली है तो मैंने कहा आप लोग भी तो ऊपर आराम से सो जाओ मैं नीचे सो जाऊंगी ठीक है सब सेटिंग सारी सही हो रखी है ना हाँ बढ़िया अच्छी हो रखी है सारी टीवी भी देखता हूँ देख सब बढ़िया पर मच्छर मच्छर का इलाज नहीं मैंने वो चला दिया तभी ना वो वाली को चला दिया काकू अगरबत्ती लगा पता है उससे क्या हो रहा है उससे मच्छर भाग रहे हैं ना हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गेट बंद कर देना थोड़ा सा कर देगा ना चले जाएंगे सो गाइस बस अब ये वाला व्लॉग एंटरटेन करते हैं इससे पहले पापा के खराटों की आवाज और बढ़े तेज हो रही है धीरे धीरे बस ये वाला व्लॉग कर दी मैं अब मिलते हैं अंकल वाले ब्लॉग में तो तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर बाय बाय बंद कर दे